सो वेलकम टू बैक हमारे चैनल गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में आप सभी कमाल का ट्यूटोरियल लेकर आ गया सबको भाई। तो गाइस अगर आप इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब यार कर देना गाइस, ठीक है। तो आपको सिंपली इस प्रकार अगर आप वीडियो बनाना चाहते तो ये गाइस एक बंदे ने यही वीडियो बनाया था गाइस, तो इसके वीडियो पर मिलियंस ऑफ मिलियन में व्यूज गए थे। जो बंदा अभी मेरे बगल में है तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इन्होंने वीडियो बनाया था, इस पर मिलियंस में व्यूज़ गए हैं गाइस और मिलियंस में लाइक्स भी आए हैं गाइस। तो अगर आप बनाना चाहते हो इस वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो क्या क्या चाहिए। तो आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से अपना एक्टिंग कर लेना है, किसी भी बैकग्राउंड पर आप कर सकते हो तो अपने तरीके से आप कर लेंगे। करने गाइस आपको सिंपली दो एप्लीकेशन चाहिए जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का। तो आपको सिंपली जाकर प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, पहला है काइन मास्टर एप्लीकेशन हर बार की तरह, और एक बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन, जो भी आपको पसंद हो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे में बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन का लिंक है गाइस, तो जाकर प्लीज यार लिंक है नीचे डाउनलोड किए। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको सिंपली इस प्रकार की वीडियोज आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो गाइस। तो आपको सिंपली इस प्रकार सेटिंग करने के बाद अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना डाउनलोड करने के बाद। तो आपको सिंपली मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ बिना टाइम कमाए गाइस, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन पहले से ओपन करके रखा, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा मैं क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करते गाइस आपको यहाँ पर रेशियोज दिख देंगे 16:9, 9:16। तो जो भी पसंद हो टिकटॉक यूट्यूब के लिए, तो मैं टिकटॉक के लिए 9:16 वाला बेस्ट है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो आपने वीडियो शूट किया गाइस उससे सबसे पहले ले लेंगे। तो आपको सिंपली मीडियम जाना होगा, फिर जहाँ भी अपने फाइल शो जाएंगे, जहाँ भी जिस भी फाइल में आपका वीडियो होगा उसमें से ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया गाइस कुछ इस प्रकार से। देखते हैं मैं पहले म्यूट कर देता हूँ उसका दिखाता हूँ। देखते हैं सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ही किया गाइस, तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हो गाइस, ठीक है। देखते हैं इतना गाइस आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप क्या है गाइस कि जब आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, जैसे ये देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार मैंने ऊपर किया, तो आपको यहाँ जहाँ जहाँ से आप अपना हाथ लगाना चाहते हो, जैसे भी राउंड अप में जैसे 10-12 जितना आप लगाना चाहते हो उतने पे रुकेंगे। जैसे यहाँ रुक दिए, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इस आइकन पे क्लिक करना है, फिर इस पर कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले पे क्लिक कर देना। देखते हैं आपको यहाँ पर मैसेज शो जाएगा कि ये गैलरी में सेव हो गया, ठीक है, गैलरी में सेव हुआ होगा। उसके बाद आपको सिंपली पहला फोटो हो गया, उसके गाइस देखते हैं एक फोटो मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है, एक हाथ यहाँ पर मेरा दिखाना चाहूँगा। तो आपको सिंपली फिर से यहीं पे क्लिक करने वाले इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना। देखते हैं फोटो फिर से खींच गया, तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी आपको 5-6 फोटोज़ खींच लेने गाइस, ठीक है। और आपको याद रहे गाइस कि टाइमिंग भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, जिस भी टाइमिंग पर आप करेंगे, जैसे देखते हैं 6 सेकेंड पे है, उसके गाइस एक फोटो है यहाँ पर मैं लूँगा, तो देखते हैं 6:45 है गाइस। तो आपको सिंपली ये भी ध्यान में रखना होगा टाइमिंग को, आपको फोटो लगाने में बहुत ही आसानी होगा गाइस, ठीक है। तो आपको 4-5 फोटो ऐसे कर लेना, तो मैंने पहले से ही खींच के रखा है गाइस, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको सिंपली इस प्रकार करने के बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है कि जहाँ भी अपना किए हैं करने के बाद गाइस आपको सिंपली इसका जो आपने फोटो खींचा है ना उसका बैकग्राउंड इरेज करना। तो मैं बैकग्राउंड इरेज जो कि लास्ट में करना सिखा दूंगा, पहले मैं आपको एडिटिंग सिखा देता हूँ किस प्रकार से करेंगे। तो आपको सिंपली जो भी अपना फोटोज खींचे हैं तो आपको सिंपली बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको लेयर में जाना होगा। लेयर में जाना गाइस आपको मीडियम जाना होगा, जो फोटोज का आपने बैकग्राउंड इरेज किया उसे लेने के लिए आपको लेयर में से मीडियम से आने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा गाइस। देखते हैं पहला फोटो ये रहा गाइस, तो आपको कुछ इसी प्रकार सिर्फ हैंड का, देखते हैं ये हैंड है गाइस, आपको इसी प्रकार से अपना जो इरेज करना है गाइस। तो मैं लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से करेंगे, तो 2-3 फोटो में बता दूंगा किस प्रकार से आप करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से यहाँ से देखते हैं, ये स्टार्टिंग से है, ठीक है, तो मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, पहले ये स्टार्टिंग से है, देखते हैं। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करके फिर जब तक हाथ ऊपर करेंगे, देखते हैं पहले ये देखते हैं जब आपने हाथ ऊपर किया ये बस देखते हैं आप कुछ इस प्रकार से मैंने हाथ ऊपर किया है, तो आपको सिंपली देखते हैं यहाँ पर हाथ मैंने ऊपर किया, अब आपको यहीं पर फिट करके बैठाना दे, छोटा बड़ा करके अब बैठा लेंगे, ठीक है। तो पहला फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो ये देखते हैं कुछ इस प्रकार से ये पहला फ़ोटो हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ जाना है, स्लाइड करके फिर स्टार्टिंग से आएंगे, उस तरह से आपको सिंपली फिर लेयर में जाना होगा, फिर मीडियम जाएंगे, फिर से वो वाला फोटो जो आपने बैकग्राउंड दूसरा फोटो का किया होगा, ऐसे सभी फोटो को बैकग्राउंड आपको ऐसे सभी फोटो को लेना है, इसी स्टेप को फॉलो करते। दूसरा फोटो मेरा यहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ ये रहा। तो आपको सिंपली इसे क्या करना है, थोड़ा छोटा करके यहाँ पर रख देना, पर फिर देखना है कहाँ तक ये हाथ मेरा जाएगा। तो आप यहाँ से बढ़ा सकते, देखते हैं यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके आप बढ़ा सकते हो गाइस। तो देखते हैं हाथ कहाँ मेरा है, देखते हैं ये हाथ यहाँ तक आ रहा है गाइस, देखते हैं थोड़ा सा और इधर करेंगे, अब देखते हैं ये फिट बैठेगा गाइस। तो आपको इसी प्रकार से करते रहना है, ठीक है, ये हुआ। अब आपको क्या करना है गाइस, ये भी हुआ, अब फिर से यहाँ स्टार्टिंग जाएंगे, फिर लेयर में जाएंगे, फिर मीडियम जाएंगे।
फिर से ये जहाँ भी होगा फोटो वहाँ से लेंगे, तीसरा वाला फोटो ले लेंगे। अब ये रहा, देखते हैं ये हुआ। अब आपको क्या करना है, इसी वाले फोटो फिर से क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर है फोटो वो, तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक करके देखते हैं ये बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक देखते हैं ये आपको हैंड देखना है कहाँ तक आपका हैंड जा रहा है गाइस। जैसे इस वाले पोजीशन पे आए गाइस ना, देखते हैं ये इस वाले पोजीशन पे आ गया गाइस, ठीक है। तो आपको ये वाला फोटो वहाँ पर ले जाकर लगा देना गाइस, ठीक है। छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर देना है इसी पर। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हो गया गाइस। तो आप यहाँ तक कर देंगे, आपको इससे एक्स्ट्रा नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है गाइस। देखते हैं फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग जाएंगे, फिर लेयर जाएंगे, फिर मीडियम जाएंगे, उसके बाद देन गाइस फिर से वही फोटो ले लेंगे गाइस। जो होगा उसके बाद का स्टेप तो वो वाला भी फोटो ले लेंगे गाइस। देखते हैं उसका ये रहा था गाइस, ठीक है, ये वाला था गाइस। अब देखते हैं ये बढ़ेगा, अब देखेंगे कहाँ तक आपका हैंड जा रहा है। देखते हैं ये हैंड नीचे आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये भी हो गया गाइस। देखते हैं वही एकदम सेम टू सेम है, तो इसे यहाँ से बढ़ा लेंगे। तो देखते हैं ये कुछ हुआ इस प्रकार से। तो आप इसी रूल्स को फॉलो करते हुए इस वीडियो को बना लें। देखते हैं ये वीडियो बन के तैयार होगा गाइस। अभी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ किस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो मैं जल्दी जल्दी स्किप कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा सा, उसके बाद गाइस आप इसी प्रकार से इसी स्टेप को फॉलो करके वीडियो को बनाऊंगा गाइस, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने अपने हैंड्स को लगा दिया है बैकग्राउंड ड्रेस करने के बाद। आपको वही फॉलो करने गाइस, स्टार्टिंग से लगाना है, फिर जहाँ तक आपका हाथ जैसे वहाँ तक जाए जिस भी पोजिशन पर, उस पोजीशन तक आपको इस फोटो को लेयर को लगा देना गाइस। देखते हैं ये फोटो के लेयर सभी यहाँ पर मैंने सेट कर दिए हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे हो गया, बस आपका वीडियो बस यही बन के तैयार हो गया गाइस। आपको सिंपली मैं इसके बाद बैकग्राउंड रेज करना सिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए गाइस, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से वीडियो बनेगा, मैं प्ले कर दिखा दे रहा हूँ। देखते हैं सिंपल तरीके से ऐसे ही वीडियो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो गाइस। देखते हैं कितना स्मूथ और कितने नॉर्मल तरीके से मैंने बना दिया गाइस, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से बना सकते हो। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कर देना, और शेयर भी करना, कमेंट भी करना, एंड सब्सक्राइब भी करना गाइस। देखते हैं और कोई भी परेशानी हो गाइस वीडियो में, तो आप सिंपली आकर हमारे कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन सुझाव मैं दूंगा गाइस। जो भी आपका सवाल होगा मैं जवाब दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो देखते हैं कुछ कैसे हो गया। तो आइए हम इतना करने में गाइस आपको सिंपली, तो आपको इतना करने के बाद आपका ये वीडियो बनकर तैयार हो गया गाइस। उसके बाद गाइस आपको लेकर चलते हैं अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में, कैसे आप बैकग्राउंड इरेज करेंगे गाइस, ठीक है। तो आइए हम अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में चलते हैं गाइस। गाइस आप देखते हैं हम आगे अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर लोड फोटो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते गाइस आपको यहाँ पर सभी आपके फोटोज दिख जाएंगे जो गैलरी में होंगे। तो आपको सिंपली इमेज जो आपका फोटो होगा उस पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ स्लाइड करके, ठीक गाइस। तो मैं स्लाइड करके मैं ये वीडियो अपना ले लेता हूँ, फोटो कोई सभी फोटो मैं सिखा दूँ आपको, तो आप वैसे ही सभी फोटोज को बड़ी आसानी से कर सकते हो गाइस। जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार मैंने एक फोटो ले लिया, तो पहला फोटो ये गाइस, तो आपको सिंपली यहाँ सब मैनेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो चारों कोने से आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो आपको सिंपली हैंड को चाहिए तो आप यहाँ स्लाइड कर देंगे, करना गाइस आपको सिंपली ऐसे ऐसे करके मैनेज कर लेना है। उस देन गाइस आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर गाइस आपको सिंपली इतने का ही बैकग्राउंड इरेज करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 5-6 टूल्स दिए गए हैं, तो आपको इनमें से कोई सा भी टूल्स यूज़ करके गाइस आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हो गाइस। देखते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये पहला टूल है उधर गाइस, देन ये दूसरा है। तो आपको सिंपली इसी प्रकार से कर लेना है, या फिर इनमें से कोई सा भी ले लेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी एक लेकर अच्छे से, सॉरी, तो आप इनमें से लेकर अच्छे जूम आउट जूम इन करके अच्छे से यहाँ पर सटीक एकदम करके, जैसे कि एकदम अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड रेज फोटोज का गाइस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं बैकग्राउंड रेज कर रहा हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से इन्हीं 6 टूल्स का यूज़ करके आसानी से कर सकते हो गाइस। जैसे मैं दिखा देता हूँ इसी प्रकार से आप करेंगे, तो आप यहाँ पर 6 टूल्स को बड़े आसानी से एंड ऐसे आप कर सकते हो गाइस। इस बैकग्राउंड एप्लीकेशन में आकर ये बहुत ही अच्छा है, कमाल का है गाइस। तो मैं इसे बहुत सारे काम में कर लेता हूँ गाइस, इससे प्रोफेशनल तरीके से मैं अपना तैयार भी कर लेता हूँ गाइस। तो आइए देखते हैं कैसे ये इरेज होता है। तो आपको सिंपली इसी प्रकार से करना है पहले, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे कर लेंगे अच्छे से जूम करके, उसके गाइस आपको सिंपली यहाँ तक ही चाहिए, देखते हैं, सॉरी यहाँ तक चाहिए, देख सकते हैं ये बस ये चाहिए। बाकी इधर का पार्ट आप हटा देंगे, अपना हेड भी हटा देंगे, जो सर है उसे भी हटा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये तैयार हो रहा है गाइस। तो आप भी इसी प्रकार जल्दी जल्दी कर लेंगे गाइस। इतना करना गाइस आपको सिंपली, देखते हैं ये हो रहा है जल्दी जल्दी, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ गाइस। आपको सिंपली थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ गाइस, फास्ट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड आप ऐसे कर लेंगे गाइस, जूम करके अच्छे से जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। तो गाइस आपको सिंपली इसी प्रकार से कर लेना गाइस।
तो आप इसमें आकर कोई सा भी बैकग्राउंड चीज एप्लीकेशन यूज करके इसी प्रकार से आपको कर लेना गाइस। जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया तो आपको बहुत बारीकी से इसे कर लेना गाइस, तो आप इसी प्रकार से कर सकते हो आसानी से वो भी गाइस, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये बैकग्राउंड इरेज हो चला है गाइस। तो आप भी इसी प्रकार से करके बड़े आसानी से यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप ऐसे करके बस आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा और आप सभी फोटोज को ऐसी बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। कैनवा गाइस आपको सिंपली वीडियो में जाकर लगा देना गाइस, सेट कर देना, देन आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा और टिकटॉक पर वायरल भी हो सकता है गाइस, और आपको फॉलोअर्स, फैंस एंड व्यूज, लाइक्स सभी चीज मिल सकते हैं गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।